الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن قدر خيرا وقبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أزكانا أتقانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا گو ہوں دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے دو جمعے گزر چکے ہیں کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تفسیر شروع کی تھی آج کا جمعہ بھی کوشش کروں گا کہ یہ میرا مضمون تکمیل تک پہنچ جائے در حقیقت بات یہ ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ تو اسے اگر بندہ کھولے تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے
तो हम इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए चंद चीज़ें उनमें से ज़िक्र करते हैं। अल्लाह हमें सही सही कह सकने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरतुल फातिहा, कुरान का आगाज़ अल्लाह ने बिस्मिल्लाह से किया। किससे है? आप कुरान पढ़ते हैं तो फातिहा से पहले आप क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं। और ये भी एक अजीब बात है, कुरान का एजाज है बिस्मिल्लाह, ये कुरान का मोजज़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलमा कैसे के तमाम उलूम अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में जमा कर दिए। और ये दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है, कोई इसकी मिसल नहीं बना सकता। उसकी एक झलक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। वो कैसे? कोई दुनिया में है जो कोई किताब लिखे और शुरू करे, बिस्मिल्लाह से शुरू न करे तो वो किस से शुरू करेगा? लफ्ज क्या होंगे उसके पास? अगर वो बिस्मिल्लाह से शुरू करता है तो वो किताब कुरान के मुकाबिल नहीं हो सकती। हाँ, नकल कह सकते हैं हम कि भाई कुरान बिस्मिल्लाह से, तो आपने भी वही नकल कर दी। और अगर वो अल्लाह के नाम से शुरू करता है या किसी और नाम से शुरू करता है, किसी के नाम से शुरू करता है, तो फिर भी कुरान के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं हो सकता। मैं आपके सामने सूरह फातिहा पे मुख्तसर तीन अंदाज पेश करूंगा। कितने? बस उन तीन अंदाजों को आप देखिए, निचोड़ है, फिर वक्त मिला तो मैं आगे भी चलूंगा। पहला अंदाज ये है कि सूरह फातिहा में हर लफ्ज के अंदर रब की तौहीद झलक रही है। यह पहला अंदाज है। सूरह फातिहा हर आयत हर जुमला तौहीद ही तौहीद है। अब जरा लुत्फ उठाइए, कैसे तौहीद है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम सिफात कारसाज़ी लिल्लाह अल्लाह ही के लिए है, तमाम सिफात उलूहियत लिल्लाह किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये तौहीद है कि नहीं? यही तो तौहीद है। रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का, पालने वाला है तमाम जहानों को, तमाम जहानों की जरूरतें पूरी करने वाला है। जब रब्बिल आलमीन तमाम जहानों की जरूरतें पूरी करने वाला अकेला अल्लाह है तो ये भी तौहीद है। अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान है। अर्रहीम, निहायत रहम वाला है, जिसकी रहमत का कोई अंदाजा नहीं है, उसकी बेपाया रहमत हर चीज को शामिल है, सारी कायनात को अपने लपेट में लिए हुए है। जब रहमान वही है, रहीम वही है, तो यही तो तौहीद है। यही क्या है? रहमान अकेला अल्लाह, रहीम अकेला अल्लाह, यही तौहीद है। और जरा आगे सुनिए, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोजे जजा का, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है कयामत के दिन का, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है इंसाफ के दिन का। जब कयामत के दिन का वो अकेला मालिक है, उसके साथ कोई शरीक, उसकी हुकूमत को कयामत वाले दिन कोई जवाल,
नहीं है, उसकी सेवा जब कोई मजाजी मालिक भी उसे नहीं है, तो यही तो हीर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रहमान वो है, रहीम वो है, रब्बुल आलमीन वो है, अल्लाह वो है, मालिक यौमिद्दीन वो है, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादतों का मुस्तहिक भी वही अल्लाह है, तो यही तो तौहीद है कि इबादत उसी के की जाए और मदद भी उसी से मांगी जाए, ये भी तौहीद है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वाला जो रास्ता है, ये तौहीद वाला रास्ता, यही सीधा रास्ता है, इसी का इल्तिजा कर रहा है, इसी का मुतालबा कर रहा है, इसी की दुआ मांग रहा है अल्लाह, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला रास्ता है। अल्लाह मुझे इस पे साबित कदम रख, यही तो तौहीद है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सुन लीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला रास्ता जो है, ये कोई मामूली लोगों का रास्ता नहीं है, ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों अंबिया का रास्ता है, ये तौहीद वाला रास्ता, ये नबियों का रास्ता है, और उन्होंने अल्लाह की तौहीद बयान की है, तो ये भी तौहीद है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना के उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा गजब हुआ, वलद्दाल्लीन, और ना ही गुमराहों का रास्ता। मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालीन वो है जो नबियों से इसी मसले तौहीद में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मुशरिक थे, उनके रास्ते से पनाह मांगी गई, तो यही क्या है, तौहीद है। और आखिर में जब कहते हो आमीन, तो इसका माना है अल्लाह कबूल कर, ऐसे ही कर दे। तो जब आप कहते हैं अल्लाह ऐसे ही कर दे, तो ऐसा करने वाला कौन है, ये भी तौहीद है। ये एक अंदाज है कि सूरह फातिहा हर लफ्ज हर जुमला रब की तौहीद पे दलालत करता है। दूसरा अंदाज कि सूरह फातिहा का हर जुमला नबियों की नबूवत और रिसालत पे दलालत करता है, ये और अंदाज है। सूरह फातिहा का हर जुमला नबूवत की तरफ इशारा करता है। पहला पहला अंदाज सुन लीजिए जरा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिफात कार साजी लिल्ला, अल्लाह ही के लिए, तो कार साज भी वही है, खालिक भी वही है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है, खालिक है, तो जब वो जर्रे जर्रे को पैदा करता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो पत्थरों को तो पैदा करे और अशरफुल मखलूक अंबिया को पैदा ना करे। दोस्तों आपकी तवज्जो है, बाबा जी आपको बस जगाना चाह रहे हैं, कहते हैं कुछ सो ना जाए। फरमाया जब वो खालिक है, सारी कायनात को पैदा करता है, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी मखलूकात में से सबसे अफजल तरीन मखलूक नबियों को पैदा ना करे। रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों का रब है। और हरिपुर वालों, मस्जिद नमरा में आने वालों सुनिएगा, रब्बिल आलमीन वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों की जरूरतें पूरी करता है। जरूरतें दो किस्म पर हैं, एक बदनी जिस्मानी जरूरत और एक रूहानी जरूरत। जिस्मानी जरूरत के लिए
आपके लिए पानी की नहरें बहा दी हैं, दूध पैदा किया है, हैवानात पैदा किए, फसलें उगाई हैं, ऑक्सीजन पैदा की है, खाओ पियो इस्तेमाल करो, तो जो जरूरतें जिस्मानी जरूरतें पूरी करता है, ये कैसे हो सकता है उसने रूहानी जरूरत का इंतजाम ना किया हो? और रूहानी जरूरतें पूरी करने के लिए नबूवत का होना जरूरी है, तो उसने हमारी रूहानी जरूरियात पूरी करने के लिए अंबिया को मबूस फरमाया। और आखिर में सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और आगे अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, मेहरबानी और उसकी रहमत का तकाजा ये है कि वो हर इंसान को नेमत अता करे, और उसकी नेमतें बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत और रहमत नबी का मबूस करना है। इसीलिए नबी का भेजना जरूरी था। और कुरान कहता है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बअस फीहिम रसूलम मिन अन्फुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, रहमत की है कि अपना आखिरी रसूल भेजा है, और मिन अनफुसिहिम जिन्नों में से नहीं, नूरियों में से नहीं भेजा, इन्हीं की जिन से भेजा है। एक तकाजा मालिक यौमिद्दीन, ये भी नबूवत की तरफ इशारा करती है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है इंसाफ के दिन का, मालिक है जजा के दिन का। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि अल्लाह कयामत को सजा तब दे के जब नबी भेजा हो। तो यह आयत भी दलालत करती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे तब होंगे जब अल्लाह नबी भेजे। तो इसका तकाजा था कि नबी आए तो अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं, और कुरान इसकी तरफ इशारा करता है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 15 कुरान कहता है वमा कुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबासा रसूला, वमा कुन्ना मुअज्जिबीना, और नहीं है हम अजाब देने वाले हत्ता नबासा रसूला, जब तक के हम रसूल न भेज दें। तो कैसे इंसाफ होगा कि रसूल ना भेजाओ? तो मालिक यौमिद्दीन इशारा है कि अंबिया ने आके लोगों को बतलाया है। अच्छा इहदिनस सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो हरिपुर वालों, इस आयत से भी नबूवत की तरफ इशारा है, क्योंकि इबादत, तर्ज इबादत, तरीक़े इबादत, अल्लाह से मदद मांगना, तर्ज इमदाद, तर्ज इस्तेआनत, ये कौन बतलाता है? ये नबी बतलाते हैं। तो नबी ने बताया है कि इबादत कैसे करनी है और अल्लाह से मदद कैसे मांगनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चला दे। किस पे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चला दे। तो सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है? वो अल्लाह के नबियों के पीछे चलने ही का नाम सिरात मुस्तकीम है। इसलिए फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यही वो रास्ता है उन लोगों का है जिन पर तूने इनाम किया। और सबसे पहले इनाम अल्लाह ने नबियों पर किया। कुरान कहता है उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबीन
والصديقين والشهداء والصالحين। अल्लाह ने चार तबकों पे इनाम किया, मिनन नबीन नबियों पर, व सिद्दीकीन सिद्दीकीन पर, व शुहदा शुहदा पर, व सालिहीन अल्लाह के सालिहीन बंदों पर, व हसुन उलाइक रफीका और इन लोगों की रफाकत क्या ही बेहतरीन है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। गैर المغضوب عليهم ولا الضالين, अल्लाह उन लोगों का रास्ता ना बता जो तेरे नबियों के दुश्मन थे और मुखालिफ थे। तो आपको पता चला कि फातिहा का हर हर जुमला नबुवत की जरूरत और अहमियत की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। अल्लाह अकबर, ये एक अंदाज हुआ। अब तीसरा अंदाज, सूरह फातिहा तीन चीजें हैं इसमें। कितनी? खुदारा तवज्जो कीजिए और दिल का बर्तन सीधा रखिए, कुरान की बरसात हो और कुछ फायदा हो जाए। तीन चीजें, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, बस तीन चीजें समझ लीजिए। एक आबिद है, एक इबादत है, एक माबूद है। कितनी? इबादत, माबूद और आबिद। याद रहेंगे? इबादत नंबर दो, माबूद और तीसरा नंबर आबिद, इबादत करने वाला। पहली चीज इबादत है। इबादत किसी हस्ती को नफे और नुकसान का मालिक मानकर, जानकर, हर चीज से बाखबर जानकर, हर चीज पे तसर्रुफ और इख्तियार रखने वाला मानकर, इसके बाद उसके साथ जो आजजी का ताल्लुक कायम किया जाए, ये उसकी इबादत है। मसलन हम हर चीज पे इख्तियार वाला किसको मानते हैं, नफे और नुकसान का मालिक किसको मानते हैं, हर चीज पे कुदरत रखने वाला बोलो अल्लाह को मानते हैं। अब अल्लाह के लिए, जब अल्लाह को ऐसा मान लिया तो अब उसके लिए हाथ बांध के खड़ा होना भी इबादत, उसके सामने झुकना भी इबादत, सजदा भी इबादत, जबान से नाम लेना भी इबादत, पुकारना भी इबादत, उसकी अजमत और किबरियाई में सोचना भी इबादत, उसकी मोहब्बत में गौर करना भी इबादत, उससे प्यार करना भी इबादत है। और अगर किसी और को नफे नुकसान का मालिक समझ के उससे ये ताल्लुक कायम किए जाए तो ये उसकी इबादत बन जाएगी। तो पहली चीज इबादत, तो इबादत के लिए तीन शर्तें। कितनी? माबूद के लिए भी तीन शर्तें और आबिद के लिए भी तीन शर्तें हैं। ये तीन तीन शर्तें होंगी तो इबादत बनेगी, तीन शर्तें होंगी तो माबूद बनेगा, तीन शर्तें होंगी तो आबिद बनेगा। इबादत के लिए तीन शर्तें, मोहब्बत, खौफ और उम्मीद। कितनी? क्या बात है कुरान की। इबादत के अंदर कितनी चीजों का होना जरूरी है? मोहब्बत, प्यार, खौफ, डर और तीसरी चीज उम्मीद, रजा। कुरान मुकद्दस ये तीन जिक्र करता है। अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, जिक्र करूंगा। कितनी शर्तें इबादत के लिए? खौफ है, उम्मीद है और मोहब्बत है। अगर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो तो यह इश्कबाजी है, इबादत नहीं। यह इश्क है, यह इबादत। और अगर सिर्फ डर ही डरो तो ये जबरूत है, ये भी इबादत नहीं है।
बंदारों का डर ही डर हो ऐसे जैसे शेर से बंदा डर रहा है। और अगर सिर बस उम्मीद ही उम्मीद उम्मीद छड़ी उम्मीद ही हो तो ये तमा और लालच है ये इबादत। इबादत में कितनी शर्तें हैं, खौफ भी हो मोहब्बत भी हो उम्मीद भी हो। रब का कुरान ये जिक्र करता है, ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल है, फरमाया आयत नंबर 57, आयत का इब्तदाई लफ्ज है उलाइकल्लज़ीना, यही है वो लोग, यदूना ये ऐसों को पुकारते हैं मदद के लिए। कोई किसको पुकार रहा है, कोई किसको पुकार रहा है, ये ऐसों को पुकार रहे हैं कि खुद उनको जिनको पुकारा जा रहा है उनकी हालत ये है। यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, वो अपने रब के कुर्ब के जरिए तलाश कर रहे हैं, वो खुद रब के करीब होना चाहते हैं कि अय्युहुम अक़रब, कौन रब के ज्यादा करीब है। वयरजूना रहमतहु, उसकी रहमत की उम्मीद करते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। तो बंदा कुर्ब किसका तलाश करता है, जिससे दुश्मनी हो के प्यार मोहब्बत हो, बोलो। विसाल किसका चाहता है कि कुर्बत हो जी, जिससे मोहब्बत हो। बंदा कहता है हर वक्त उसके पास रहूं, उसके करीब रहूं, वो मेरे पास रहे। तो फरमाया यब तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबो, जिनको तुम पुकारते हो इमदाद के लिए, अम्बिया हैं, औलिया हैं, सुलहा हैं, शुहदा हैं, ये बुजुर्गान दीन हैं, उनकी हालत ये है कि वो तो रब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और रब के करीब होना चाहते हैं। एक इबादत की पहली शर्त मोहब्बत। वयरजूना रहमतहु, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं, सिर्फ कुर्ब ही नहीं चाहते बल्कि उसकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं। जो मर्जी ये हो जाए रब की रहमत से मायूस नहीं होते। और तीसरी शर्त वयखाफूना अज़ाबहु, अल्लाह के अज़ाब से डरते भी हैं, मोहब्बत भी है, उम्मीदें भी हैं और उसकी नाफरमानी और अजाब से डरते भी हैं। जब तीन शर्तें हों तो यह इबादत बनती है। आप जब तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं तो बोलो आपके दिल में रब की मोहब्बत होती है कि नहीं, बोलिए। रब की मोहब्बत ही तो है कि ठंडी रात है, सर्दी है, पानी भी गर्म ना मिले, फिर भी वजू किया और आके रब के सामने खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी की बड़ाइयां और तारीफें कर रहा है, ये मोहब्बत है। फिर इसके साथ इल्तिजा भी कर रहा, अल्लाह मुझे डर लगता है, अल्लाह मेरी नमाज रद्द ना हो जाए, खौफ भी है कहीं रब मंजूर ही ना कर दे, रद्द ही ना कर दे, ना मंजूर हो जाए, डर भी है कि अल्लाह मंजूर कर दे, ये डर भी लगा हुआ है और मांग भी रहा है कि अल्लाह तेरी रहमत का तलबगार हूं तभी तो सामने खड़ा हूं। उम्मीद भी, प्यार भी, डर भी, ये तीनों हो तो इबादत है। बल्कि ईमान तो खौफ और उम्मीद के दोनों के बीच बीच के हालत को कहते हैं, अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा। इसीलिए हजरत उमर का कौल मंसूब है कि कहते हैं रब का खौफ इतना है, डर इतना है,
कि ऐलान हो जाए सारी कायनात जन्नत में जाएगी, एक बंदा जहन्नम में जाएगा, तो मुझे डर है कि वो एक मैं ना हूं, कहीं मैं ना हो जाऊं। और इसके मुकाबले में डर का आलम यह है, उम्मीद का आलम भी है कि ऐलान हो कि सारी कायनात जहन्नम में जाएगी, बस सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो मुझे फिर भी ये उम्मीद रहेगी कि वो एक मैं होऊंगा। यानी उम्मीद फिर भी मेरे रब से टूटेगी नहीं टूटेगी। ऐसी उम्मीद, प्यार, मोहब्बत, डर। और आपको पता है कुरान ने मोमिनीन की सिफत बयान की, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, फरमाया मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े ही सख्त हैं, बहुत सख्त हैं अल्लाह की मोहब्बत में, उनको रब से मोहब्बत है, रब से प्यार है, हद दर्जा मोहब्बत है। और आपको पता है किसी से मोहब्बत तब ही होती है जब किसी को बंदा जान ले, या हुसन देख ले, या कोई कमालात देख ले, या कोई एहसानात देख ले। तो जिन लोगों ने रब को पहचाना नहीं तो वो रब से मोहब्बत भी नहीं करते। भाई बंदा किसी चीज को देखता है, उसके कमालात देखता है तो प्यार होता है। अल्लाह की कसम जिन्होंने रब को पहचाना है उन्होंने रब से मोहब्बत की है और हद दर्जा की है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की लोंडी थी काले रंग की, सारा दिन बादशाही महल में खिदमत करती, रात के अंधेरा में खड़ी हो जाती मुसल्ले पे, थकी भी है, टूटा हुआ बदन, चूर चूर बदन खड़ी है, और जब रो के दुआ करती है तो क्या कहती, अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, मेरे गुनाह माफ फरमा, अल्लाह तुझे उस प्यार का, उस मोहब्बत का वास्ता है जो तुझे मुझसे है, तू मेरे गुनाह माफ फरमा, बार बार ये कहती है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज से बर्दाश्त न हुआ, फरमाया ओ लोंडी दुआ भी कर रही है वो भी उल्टी, ये ना कि तुझे जो प्यार है मुझसे उसका वास्ता, बल्कि ये कहो अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है, तू उल्टा लगी हुई है। गुस्सा आ गया उसको, कहने लगी मैं ठीक करती हूं, मैं जो कह रही हूं मैं ठीक कह रही हूं। कहा कैसे ठीक कह रही हो, आपको क्या पता है कि रब को आपसे प्यार है? फरमाया मुझे पता है कि मेरे रब को मुझसे क्या है, प्यार है, मोहब्बत है। कहा कैसे पता है? फरमाया और क्या दलील बताऊं, थके आप भी हैं, थका मैं भी हूं, आपको बिस्तर पे सुला दिया, मुझे सामने बिठा दिया, ये उसका प्यार और मोहब्बत नहीं तो और क्या है? तो जो रब को जानते हैं वो रब से मोहब्बत भी करते हैं। हाँ, तो बात कर रहा था इबादत के लिए तीन शर्तें हैं, मोहब्बत, उम्मीद और डर। उलूहियत वाली, खालिकियत वाली मोहब्बत जो माबूद के लिए ज़रूरी है। वैसे तो मोहब्बतें इंसान को बंदों से भी हो जाती हैं, किसी को आलिम पसंद है, कोई अच्छा इंसान पसंद है, बेटों से मोहब्बत है, औलाद से। ये उलूहियत के साथ जो ख़ास मोहब्बत है ये वो नहीं है। जो मोहब्बत अल्लाह के साथ होनी चाहिए उसमें किसी गैर की कोई शराकत नहीं हो सकती। एक और दूसरी चीज है माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाए। इबादत के लिए तीन शर्तें, तो माबूद के लिए भी तीन शर्तें कि वो समी हो, बसी हो, कदीर हो। कितनी? समी हो, बसी हो, कदीर हो, हर की हर आवाज हर जगह से हर एक ही सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। समी हो, बसीर हो, हर जगह हर चीज को, हर आन हर घड़ी हर लम्हा हर लहजा हर वक्त देखता, और ये सिफत किसकी है?
वो माबूद बन सकता है। तीसरी कि वो कदीर हो, हर जगह हर वक्त हर किसी पर हर चीज पे उसका मुकम्मल इख्तियार कंट्रोल और कुदरत हो। ये सिफत किसकी है? अल्लाह की है। यही तीन सिफात तो अल्लाह के खलील ने अपने बाप के सामने पेश की कि मेरे बाबा जिन बुतों के सामने तू खड़ा है, रो रहा है, सजदे कर रहा है, क़याम क़ुऊद कर रहा है, या अबत लिमताबुदु माला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। तीन शर्तें जिक्र की हैं, माबूद वो हो तीन शर्तें हो, और जिनको तू पुकारा है ला यस्मा वो तेरी सुनते वो नहीं सुन सकते, तू जितना लगा रहे वो नहीं सुनते। अच्छा आप कहेंगे हम तो जिंदा को जब पुकारें तो सुनते हैं। भाई आज सुनते हैं कल नहीं सुनेंगे, जागते हुए सुनते हैं मरे हुए नहीं सुनेंगे, ऐसा ही है। करीब से अगर सुन लें दूर से नहीं सुनेंगे। ये तो एक शर्त मैं जिक्र कर रहा हूं, एक सिफत बगैर असबाब के सुनने वाला हर जगह से कौन है? बंदे जो सुन लेते हैं ना हम जिंदा, ये असबाब के दायरे में क्या कान लगाते हैं, फासला ना हो, रुकावट ना हो, एक दूसरे की बात क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ये जो मोबाइल पे भी सुनते हैं तो ये असबाब हैं, क्या हैं? ये सबब ना हो तो मेरी आवाज वो नहीं सुन सकते। एक अकेला रब है जो बगैर असबाब के सुनता है, तो फिर उस सादे का क्या बनेगा जो कहता है मर भी गया है, खप भी गया है, मिट्टी में भी मिल गया, कान भी खाक हो गए, लेकिन सुनता फिर भी है, देखता फिर भी है, उस सादे का क्या बनेगा? उसको कौन समझाएगा कि कब्रिस्तान जाओ तो पांचे बंद करके जाया करो? वो भाई क्यों बंद करके? जी मुर्दा पांचों में देखता है। अल्लाह गवाह है आप कहेंगे कि ये मजाक करते हैं, नहीं लिखा है, और यहां तक भी लिखा है कि कब्रिस्तान में मुर्दे के पांव के पास खड़े हो, सर की तरफ ना खड़े हो। तो किसी ने कहा भाई सर की तरफ क्यों ना खड़े हो? कहते हैं पांव की तरफ खड़े हो गए तो ऐसे वो लेटा होता सीधा आपको देख रहा होगा, उसको देखने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप सर की जानेब आओगे तो वो ऐसे गर्दन तोड़ के देखेगा तो उसको तकलीफ होगी। वाह भाई ये आदाब लिखे। मैं कहता हूं हर जगह हर एक ही हर आवाज हर वक्त सुनने वाला अल्लाह है। ए मेरे बाबा जिनको तू पुकारा है ला यस्मऊ नहीं सुनते वला युबसिरु तुझे देख भी नहीं सकते वला युगनी अनका शैया तुझसे कोई मुसीबत दूर नहीं कर सकते तेरे किसी काम नहीं आ सकते इसलिए कि वो कदीर नहीं है। और जिस रब की तरफ मैं दावत देता हूं उसकी शान तो ये है इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ मेरा रब दुआएं सुनने वाला है इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ मेरा रब समीउ दुआ है। तू जिन्हें पुकारता है वो समी नहीं है और तू जिन्हें पुकारता है ला युबसिरु वो देखते नहीं है। मैं जिसकी तरफ दावत देता हूं उसकी शान क्या इन्नहु हुवा समीउल बसीर वो हर जगह देख रहा है। और जिनको तू पूज रहा है ला युगनी अनका शैया वो कुछ भी तुझसे हटा नहीं सकते नफा नहीं दे सकते क्योंकि वो कादिर नहीं। और जिस रब की तरफ मैं दावत देता हूं उसकी शान क्या है इन्नमा अमरुहु इला अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून
वो जब इरादा करता है कुन कहता है हो जा, फयकून देर नहीं लगती हो जाता है। इन्नल्लाह अला कुल शैइन कदीर, हर चीज पे कदीर कौन है? अल्लाह है। तो माबूद के लिए भी तीन शर्तें हैं, समीओ बसीर और कदीर, और ये अकेला अल्लाह है। अब तीसरा नंबर आ गया, आबिद इबादत करने वाला कौन? इबादत करने वाले को क्या कहते हैं? आबिद कहते हैं। तो आबिद के लिए भी तीन शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? कि वो जबानी इबादत में, माली इबादत में, कौली इबादत में, बदनी इबादत में उसके साथ किसी को शरीक, जबान की इबादतों में उसके साथ किसी को शरीक ना करे, बदन की इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ना करे, और माल की इबादत में उसके साथ किसी को शरीक। अगर वो करेगा तो आबिद नहीं रहेगा, मुशरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो आबिद नहीं बनेगा, क्या बनेगा? अब तीन शर्तें कहां हैं? आइए, रब का कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल, मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए, इन्ना सलाती, मेरी बदनी इबादतें, व नुसुकी, मेरी माली इबादतें, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्ला, किसके लिए? माल की इबादत बोलो अल्लाह के लिए, बदन की इबादत भी अल्लाह के लिए। मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आप जब बैठते हैं तशहुद पे तो आप क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। कोई बंदा उठ के माना तो करे ना कि क्या माना है। अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह मेरी कौली इबादतें किसके लिए? अल्लाह के लिए। वस्सलावातु, मेरी बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। वत्तय्यिबातु, मेरी माली इबादतें अल्लाह के लिए। तो सच बताओ, जुबान पे जब कहते हो या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या बदीअ समावात वल अर्द, तो फिर अगर किसी और की तस्बीह पढ़ो, उसको पुकारो, ये जबान की इबादत अल्लाह के लिए खालिस हुई? बोलो। एक बदन की इबादत, किस लिए कयाम में हाथ बांध के खड़े होते हो जी? रुकू में किसके लिए झुकते हो? सजदे में किसके सामने जबीन झुकाते हो? ये बदन की इबादत है। आप नमाज में कहते हैं अल्लाह मेरी ये तीनों इबादतें सिर्फ तेरे लिए हैं। अब किसी और के सामने भी झुके, किसी और के सामने भी सजदा करे, और कभी सजदा भी करे और फिर कहे जी मैंने सजदा नहीं किया, खाली झुका ही था, भाई इसी झुकने ही का नाम सजदा है। एक शख्स ने जाके कब्र पे सजदा किया और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आए, कहने लगे जी सजदा नहीं था, सजदा सात हड्डियों पे होता है। कितनी हड्डियों पे? हाँ, दो हाथ हैं, घुटने हैं, दो पांव के अंगूठे हैं, और माथा है, नाक है, ठीक है ना? तो ये सात आठ आजा पे जाके सजदा होता है। इस तरह सजदा करो तो तब गुनाह होता है। मैंने कहा आपने हदीस भी नहीं पढ़ी, कुरान भी नहीं पढ़ा है। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस है, सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जब हम आपसे सलाम करते हैं, जब हम आपसे मुसाफा करते हैं, तो अनहनी लहू, या किसी भी बुजुर्ग से करते हैं, तो क्या हम सलाम में झुका करें?
इन्हेना सजदा नहीं, क्या झुका करें। फरमाया अल्लाह इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रुकू झुकने का नाम है और ये किसके लिए खास है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अरब के लोग अपने वडेरों के सामने ताजीमन झुक जाते हैं, सजदाए ताजीमी करते हैं, कोई माबूद नहीं समझते उनको, कोई इलाह नहीं समझते, सिर्फ उसकी अजमत के लिए क्या कर देते हैं, जमीन पे झुक जाते हैं, माथा रख लेते हैं। तो हमारे बड़े क्या होंगे, आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आपकी शान सबसे बड़ी है। तो क्या जब हम मजलिस में आए तो आपको ताजीम एहतराम का सजदा कर लिया करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कुंतु आमुरु अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लामरतु निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्न। अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी दूसरे को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो खावंद को सजदा करे, लेकिन औरत को खावंद के सामने भी सजदा जायजा। जब औरत को शोहर के सामने झुकने की इजाजत नहीं तो फिर अल्लाह के सिवा किसी को किसी के सामने झुकने की इजाजत। ये मेरे नबी की शरीयत का फतवा है, फैसला है। ये एक वक्ती इबादत, अल्लाह माली इबादत आपके लिए है। सच बताओ कुर्बानी किसके नाम की, ये माल है कि नहीं जी। सदका खैरात किसके नाम पे, नजर नियाज किसके नाम पे, मन्नत मनोती किसके नाम पे। अब अगर यही चीजें गैर के नाम पे करोगे तो फिर झूठे हो जाओगे, मुशरिक बनोगे, आबिद नहीं बनोगे। इसलिए कि आपने नमाज में कहा था वत्तय्यिबात, अल्लाह मेरी माली इबादत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लानल्लाह मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत उस बंदे पर मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करता है, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के नाम पे ज़बह करता है। लानत की है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि अबू दाऊद की हदीस सुना दूं, आपके 14 तबक रोशन हो जाएं। एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने नजर मानी है, नजर भी किसके नाम की, अल्लाह के नाम की नजर है, मन्नत है कि ये काम अगर मेरा हो गया तो मैं जानवर फलां जगह जाके ज़बह करूंगा किसके नाम पे। तो अब सहाबी हैं, शिर्क का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सहाबी की नीयत पे हम जरा बराबर शक भी नहीं कर सकते। और पूछने वाले सहाबी और जिनसे पूछा जा रहा है वो कौन है, बोलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी अलैहि सलाम क्या देते, जी कोई अरज नहीं, आप अल्लाह के नाम की जाज़बा कर दो। लेकिन सुनिए, मुझे और आपको समझाना था। फरमाया मुझे जवाब दीजिए, पहले ये बतलाइए जिधर आप ज़बह करेंगे उधर कब्र तो नहीं है, अल्लाह कब्र तो नहीं है। फरमाया नहीं है या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बतलाओ उधर कहीं दरगाह तो नहीं है, कोई पत्थरों को पूजने की जगह तो नहीं जहां बुत रखे हुए थे। फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह ये भी कोई चीज नहीं। तीसरा सवाल पूछा, फरमाया अच्छा ये बताओ वहां मुशरिकीन का कोई मेला शेला तो नहीं लगता, मुशरिकीन का मेला तो नहीं लगता। फरमाया या रसूल अल्लाह मुशरिकीन का मेला भी नहीं लगता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तीनों चीजें नहीं, अब जाके अपनी नजर पूरी कर लो। मालूम हो कि अगर ये तीन चीजें वहां हैं तो वहां अल्लाह के नाम पर भी देने की इजाजत, मिलावट हो जाएगी।
और आपने कहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, मेरी जबान की इबादतें मेरी बदन की इबादतें लिल्लाह किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए। और यही सूरह कौसर का खुलासा था कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। क्या अजीब जोड़ है कुरान के अव्वल का और आखिर का। अव्वल में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आखिर में कहा ओ मेरा बंदा बस मेरा तेरा मामला तय हो गया, दो चीजें तू मेरे लिए कर दो मैं तुझे अता कर दूंगा, बदनी इबादत मेरे लिए कर, माली इबादत कुर्बानी मेरे लिए कर, और मैं तेरे दुश्मन को जेर कर दूंगा, तुझे कौसर अता कर दूंगा। यही तो मुआयदा था इन्ना आतैना कल कौसर में, यही बयान है कि दो काम मेरे लिए करो, दो काम मैं आपके लिए जो करूंगा, इन्ना आतैना कल कौसर, क्या दे दूंगा। तो आप कहेंगे कौसर तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम को मिल गया, भाई हमारे लिए भी यही वादा है, मुस्तफा को कौसर मिला और हमें मुस्तफा के हाथों से जाम मिलेगा, ये शर्त है, कौसर दूंगा। और दूसरा इन नशान अका हुल अबतर, आपके मुखालिफ को जलील रुसवा कर दूंगा, जेर कर दूंगा, पर शर्त क्या है कि कितने काम मेरे लिए करो, सल्ले ले रब्बे का, बदन की इबादत रब के लिए, वन हर और माल की इबादत भी रब के लिए। तो ये तीन इबादतें रब के लिए होंगी तो क्या बनेगा, आबिद आबिद बनेगा, और अगर तीनों में मिलावट होगी तो ये आबिद नहीं मुशरिक बनेगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या अजीम किताब है, अल्लाह की कसम कभी सोचता हूँ यह रब की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि कुरान की वो सूरत हमें अता की, पहले नंबर पे रखी कि पूरे कुरान पूरे दीन का नचोड़ आपके दिमाग में हर वक्त तरोताजा रहे, और नबी करीम ने इसे नमाज में हर रकत में रख दिया कि बाकी 113 सूरतें आपकी मर्जी है, बकरा पढ़ो, निसा मायदा पढ़ो, आले इमरान पढ़ो, आपकी मर्जी है, सूरह इखलास पढ़ो, फलक नास पढ़ो, ये आपका इख्तियार, लेकिन फातिहा की जगह कोई और, ये क्यों, समझ के पढ़ोगे तो आपके जहन में सारा रब की तौहीद का खुलासा ताजा रहेगा। लेकिन क्या करें, हमने तो फातिहा को मुर्दों की सूरत समझ लिया, ये फातिहा पढ़ाएं फातिहा कराएं, मेरे दोस्तों इतनी अजीम सूरत है, समझने की जरूरत है। जब समझोगे फिर रब के सामने खड़े होगे ना तहज्जुद में, उस वक्त आप कहोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूं अर्रहमान, जिससे मांग रहा हूं अर्रहमान वो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। रहमान और रहीम में फर्क क्या है, रहमान का माना है आम रहमत करने वाला, दुनिया में आम रहमत है उसकी बेपाया, मोमिनों को भी खिला रहा है, काफिरों के भी खिला रहा है, सूरज की किरणें मोमिन के फसल को पका रही है, काफिर को भी मिल रही है, चांद की चांदनी मोमिन को भी मिल रही है, दुश्मन को भी मिल रही है। अर रहीम खास रहमत करने वाला, आम मेहरबानी सब पे करता है, खास मेहरबानी मोमिनों पे करेगा। एक और इब्न अल मुबारक रहमतुल्लाह का एक कौल नकल किया है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने, वो कहते हैं अर रहमान, रहमान उस जात को कहते हैं जिससे मांगा जाए तो वो अता करें, और रहीम उस जात को कहते हैं जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। अल्लाह, ना मांगा जाए तो मेरे दोस्तों कितना बड़ा बदबख्त है जो उन लोगों से मांगता है कि जिनसे मांगा जाए तो वो क्या होते हैं,
किसी से 1,00,000 रुपया कर्ज भी लेना हो तो आपको पता है दे तो देता है, उसके दिल पे जो गुजरती है ये उसी से पूछो, मैं ही नजर आया, तो फिर उस जात से क्यों नहीं मांगते हो जो ना मांगने पे नाराज होता है मांगने पे खुश होता है, जिसकी रहमत इतनी बेपाया है कि ऐलान कर दिया मेरे महबूब इनको पता नहीं तो इनको पता बतला दीजिए कि ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, सारी कायनात तुम्हें दुत्कार दे मेरी रहमत से फिर भी ना उम्मीद ना हो। याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए तो सही ना, 40 साल हो गए यूसुफ नजरों से गायब है, बेटों ने आके कह भी दिया है कि भेड़िया खा गया है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ला तई असू हिल्ला इन फिरून। और मेरे पैगंबर ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस सुन लीजिए, आपको भी उम्मीदें लग जाएंगी रहला तकनतु मिर रहमतिल्ला का, आपको भी एक झलक नजर आएगी। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? थक तो नहीं गए ना? मेरे मालिक ने, रहमान और रहीम ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया, कयामत तक एक हिस्सा तकसीम किया है, उसी एक ही हिस्सा रहमत की वजह से बाप बेटे से प्यार करता है, माँ औलाद से प्यार करती है, उस्ताद शागिर्द से प्यार करता है, मुहिब महबूब से प्यार करता है, नबी उम्मती से प्यार करता है, उम्मती नबी से प्यार करता है, उसी एक हिस्से ही में से हैवान अपने बच्चे से प्यार करता है। यहां तक नबी करीम ने फरमाया कि घोड़ा एकदम पांव ऊपर उठा लेता है कहीं मेरा बच्चा ना कुचला जाए, ये उसी एक रहमत का हिस्सा है। ये दुनिया में जितनी प्यार जितनी मोहब्बतें, ये उस एक हिस्से का कमाल है, और 99 हिस्से उसने पास रखे हैं जिसे कयामत के दिन अल्लाह खोलेगा अपने बंदों पे। जब उस एक दर्जा रहमत का ये आलम है, तो जब मेरा मालिक 99 दफ्तरों अपनी रहमत के खोलेगा तो क्या नवाजशात होंगी जी। और ये भी बता दूं, हदीस सुन लीजिए बुखारी की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान जमीन के पैदा करने से पहले भी जब अल्लाह ने अर्श बनाया तो साथ लिख दिया, इन रहमती सबकत गजबी, ओ हरिपुर वालो, ओ गुनागारो, मायूसी की हद तक पहुंचने वालो, रब ने तो इंतहा कर दी, फरमाया मैंने तेरी कायनात पैदा करने से पहले ही लिख दिया था, रहमत भी मेरी सिफत है, गजब भी मेरी सिफत है, लेकिन मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले जा चुकी है, मेरी रहमत मेरे गजब पे, तो अल्लाह हमें उस रहमत का मुस्तहिक बना दे। आखिर दावाना।